नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पवार महल। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सीएम धामी ने मां के साथ तपकेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा, प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना। मुनस्यारी धारचूला में बर्फबारी का दौर जारी, पर्यटकों के खिले चेहरे, बंद हुआ थल मुनस्यारी मोटर मार्ग। ग्रेट वे मामले पर 10 पुलिस कर्मियों ने वीआरएस के लिए किया आवेदन, महकमे का दावा फर्जी नाम आ रहे सामने। हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर लगाया आरोप, शर्मनाक तरीके से आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही सरकार, बनाना चाहती है शराबी चुनाव। हरदा के वार पर बीजेपी का पलटवार, मदन कौशिक बोले हार का सता रहा डर। अब खबरें विस्तार से। देश सहित उत्तराखंड में भी आज से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पहले चरण में 60 आयु वर्ग के ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण हो रहा है। टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां चाक चौबंद है। बूथों पर 20% वैक्सीन तीसरी डोज के लिए उपलब्ध है। उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रविवार को प्रदेश में एक दिन में 1413 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं, जबकि देहरादून जिले में सबसे अधिक 505 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में संक्रमण की दर 7.79% हो गई है। चुनावी साल और कोविड के बढ़ते मामलों को प्रदेश भर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राजधानी देहरादून स्थित प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें 14 फरवरी को प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि चुनाव में जीत का आशीर्वाद लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भगवान शिव के दर पहुंचे और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रदेश भर के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी कोरोना संक्रमण का मीटर तेजी से ऊपर जा रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि राजधानी में बढ़ते कोविड केसेस को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। जिला अधिकारी ने जानकारी दी है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीते दिनों में सर्विलेंस टीम को भी बढ़ाया गया है और साथ ही टेस्टिंग प्रक्रिया में भी बढ़ोतरी की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर राज्य की धामी सरकार पर हमला बोला। हरीश रावत ने धामी सरकार को विफल करार देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की कई विफलताएं होंगी, जिसमें आपकी कल्पनाओं को, जिसको आप मूर्त रूप दे रहे होंगे, इस सरकार ने बिगाड़ा है। भाजपा सरकार ने आपकी भावनाओं को ध्वस्त किया है। ऐसे ही मेरी एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की भावना को भी इस सरकार ने ध्वस्त किया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत का दम भर रही हैं, साथ ही ऑनलाइन प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। इसी कड़ी में सांसद और अभिनेता रवि किशन उत्तराखंड में प्रचार के लिए मैदान में उतर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी और पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। हल्द्वानी पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 512.81 ग्राम स्मैक गिरफ्तार की है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 51 लाख बताई जा रही है। मामले में डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि स्मैक को लेकर पुलिस द्वारा बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम वापस लेने के बाद अब दोबारा से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को पुनर्गठित किया गया है। बता दें कि समिति में भाजपा नेता अजेंद्र अजय को समिति का अध्यक्ष, किशोर पवार को उपाध्यक्ष और बीडी सिंह को इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा समिति में 13 सदस्य हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में पौड़ी विधानसभा सीट से उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार घनानंद ने अपनी दावेदारी पेश की है। इस दौरान उन्होंने अपने आप को पौड़ी विधानसभा सीट से टिकट का पक्का दावेदार माना है। पौड़ी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से कलाकारी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वह बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभाते आ रहे हैं, जिसका फायदा पार्टी को और उन्हें चुनाव में मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं हरदा के इन आरोपों को मदन कौशिक ने चुनाव से पहले हार का डर बताया है।
मदन कौशिक ने कहा है कि प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद सरकार की तरफ से नियुक्तियां और ट्रांसफर का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। सरकार ने जो भी आदेश जारी किए थे वो आचार संहिता से पहले के हैं। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।